मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को इट्स लाइक कि 12 कर लो एंड देन उसके बाद में यू आर सपोज टू गेट मैरिड। मेरे फैमिली में आज तक कोई भी लड़की कभी बाहर निकल करके जॉब की नहीं है एंड इनफैक्ट माय फादर आल्सो टोल्ड मी कि आपने जितना भी पढ़ना है पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जॉब कभी भी करोगे नहीं। चीजें मेरे फेवर में नहीं थी। पैंडेमिक में माई फादर ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज एंटायर बिजनेस। वो एक स्टेटमेंट होता है ना सबका कि पापा के बाद में बेटा ही संभालेगा घर, दैट इज़ वेरी ऑनेस्ट। ऐसी चीज़ें होती हैं, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम गर्ल्स आर नो लेस। घर पे यू नो देर वर सो मेनी एक्सीडेंट्स, माई मॉम गॉट एडमिटेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। आई वॉज एबल टू पे द बिल्स एंड ऑफकोर्स बिज गुरुकुल नहीं होता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी फॉर अ गर्ल लाइक मी। मैं जैसी थी पहले, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट बैक देन, मुझे बात करना नहीं आता था एंड राइट नाउ आई एम सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता जेन्युइनली, आज पता नहीं मैं कहाँ होती। Hi, my name is Alifa and my story is, though I'm a part of this platform since 2 years now, but a lot of you may not know my story. Like, why did I start this? Why did I do something exceptional? So, I was an educator back then while I was in class 10. I never asked my parents for money. To be very honest, what I personally felt was, being a girl, I can also provide things for my family. I can also do something for my family. But चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी। मैं क्लास 11th में थी तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करा। आई वॉज द टॉपर ऑफ कंप्यूटर इन माई स्कूल ऑफकोर्स एंड देन उसके बाद में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट की एंड वॉट एग्जैक्टली हैपन, पढ़ाते पढ़ाते आई यूज़ टू मेक गुड अमाउंट ऑफ 3,500 और 4,000 रुपीज़ मंथली। बट थिंग्स चेंज्ड व्हेन पैंडमिक started. And to be very honest, all these are coming straight from my heart. I started because I wanted to make money. And being a girl, I always wanted to make money from somewhere or the other. And since main BCA karna start ki thi, I started doing BCA. But what exactly happened? Mera interest khatam ho gaya, theek hai? And online classes bhi utna zyada acche hua karte nahi the. And then what I actually thought ki bhai mere jo bhi savings hai, since pandemic ke time mein we were not allowed to move out of our house. And then I was searching ways to make money online because I always had a taste for my own money, right? And I got scammed. Ad aayi thi like if you can make money through this and that. So I gave around 18,000 to that, but I got scammed. And then I got to know about Biz Gurukul. But वो एक होता है ना इंसान के साथ में, अगर scam हो गया एंड देन उसके बाद में आपको वो टाइप का हिम्मत भी मिलता नहीं है एंड पेरेंट्स भी पैसे तो देते नहीं क्योंकि मेरे साथ में पहले से स्कैम हो चुका था। एंड देन व्हाट आई एक्चुअली डिड वाज आई अरेंज द मनी फ्रॉम समवेयर। मुझे कोई जगह का लेकर के पता था जहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे एंड आई हैव टू पे बैक द मनी विद इन 1 month विदाउट लेटिंग एनी वन नो आई स्टार्टेड इट। बट द मेन थिंग स्टार्ट्स आफ्टर आई पोस्टिंग थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट। इनिशियली मैं अपना फेस बिल्कुल भी दिखाती नहीं थी बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली एंड मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है जस्ट टू प्रोटेक्ट गर्ल्स ऑफकोर्स। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वट आई थॉट वॉज इनिशियली मैं अपना फेस बिल्कुल भी दिखाती नहीं थी एज मैंशन अर्लियर। सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग थिंग्स ऑनलाइन एंड देन मुझे क्रिटिसिजम मिलना स्टार्ट हो गया कि वॉट डिड यू स्टार्ट लाइक मेरे फैमिली में आज तक कोई भी लड़की कभी बाहर निकल करके जॉब की नहीं है एंड इनफैक्ट माई फादर ऑल्सो टोल्ड मी कि आपने जितना भी पढ़ना है पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जॉब कभी भी करोगे नहीं। सो मेरे लिए थिंग्स वर लाइक कि अगर मुझे डिग्री करना ही नहीं है तो मतलब इफ आई एम डूइंग अ डिग्री एंड इफ आई डोंट वॉन्ट टू डू जॉब सो वॉट इज द पॉइंट। एंड देन उसके बाद में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स लोग हैं, दे मेड इवन फन ऑफ मी कि भाई ये किस टाइप का काम है, लाइक बींग अ गर्ल यू वोंट बी एबल टू डू इट बिकॉज काम जो होते हैं वो ज़्यादातर तो बॉयज लोग ही करते हैं। एंड जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं दे डिडंट सपोर्ट मी एंड स्टिल समवेयर दे डोंट, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। पैंडमिक में माई फादर ऑलमोस्ट यू नो लॉस्ट हिज इंटायर बिजनेस। माई फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एंड घर पे यू नो देर वर सो मेनी एक्सीडेंट्स, माई मॉम गॉट एडमिटेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। आई वॉज एबल टू पे द बिल्स। मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली, जो तब से मैं
सपोर्ट करना स्टार्ट की, मैं आज भी अपने फैमिली को सपोर्ट करती हूँ. एंड ऑफकोर्स बिजगुरुकुल नहीं होता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी फॉर अ गर्ल लाइक मी. मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को इट्स लाइक कि 12 कर लो एंड देन उसके बाद में यू आर सपोज टू गेट मैरिड. बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड राइट नाउ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आर इंस्पायर्ड बाई मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट दे आर एबल टू दे आर मेकिंग अ चेंज इन देयर लाइफ. ट्रूली आई एम असोसिएटेड विद दिस प्लेटफॉर्म सिंस 2 years एंड आई हैव जनरेटेड अ रेवेन्यू ओवर 1.20 crore ऑफ इनकम. आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम ऑनेस्टली ब्लेस्ड दैट कि वो एक स्टेटमेंट होता है ना सबका कि पापा के बाद में बेटा ही संभालेगा घर. दैट इज़ वेरी ऑनेस्ट. ऐसी चीज़ें होती हैं बट ऑल्सो एट द सेम टाइम गर्ल्स आर नो लेस. गर्ल्स आर नो लेस. जो पावर बॉयज में है वो उनका है पावर बट बींग अ गर्ल दैट्स योर पावर. एंड मैं जैसी थी पहले आई वॉज एन इंट्रोवर्ड बैक देन, मुझे बात करना नहीं आता था. एंड राइट नाउ आई एम सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता जेन्युइनली आज पता नहीं मैं कहाँ होती. सुपर ग्रेटफुल टू एवरीथिंग एंड आई रियली थैंक अल्लाह for everything that I have ever achieved and for, you know, doing so many things for my parents and for the world. That's my story.